लाडवा निर्वाचन क्षेत्र से अपना नामांकन दाखिल करने से पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी ने मीडिया से बात की, जिसमें उन्होंने कहा कि लाडवा की जनता उन्हें जो प्यार और आशीर्वाद दे रही है वह अमूल्य है। इसके आगे उन्होंने कहा कि पहले उन्होंने उन्हें सांसद के रूप में चुना था, लेकिन अब वे उन्हें विधायक के रूप में चुनेंगे। इसी क्रम में उन्होंने कहा कि एक बात तय है कि हरियाणा की डबल इंजन की सरकार 8 अक्टूबर के बाद बहुत बड़ी बहुमत से तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनाएगी। वहीं पीएम मोदी 14 सितंबर को हरियाणा आ रहे हैं और उनके नेतृत्व में हरियाणा और फले फूले, ऐसा आशीर्वाद पीएम मोदी को मिलेगा और हम उनका यहां भव्य स्वागत करेंगे। नॉमिनेशन दायर किया आपने आज यहां पे, बड़ा इंतजार आपने शब्दों में आज तंज भी कैसा कांग्रेस के? देखिए, लाडवा की जनता का आज भरपूर आशीर्वाद मिला है और ये ऐतिहासिक नॉमिनेशन का कार्यक्रम था कि पूरा का पूरा लाडवा आज सड़कों के ऊपर था। आप लोगों ने देखा है, अपने बेटे भाई को आशीर्वाद देने के लिए आज पूरा लाडवा सड़कों पे आया है। एक बात तय की है कि हरियाणा की डबल इंजन की सरकार ये 8 अक्टूबर के बाद बहुत बड़े मार्जिन के साथ तीसरी बार बन रही है, ये तय हरियाणा के लोगों ने किया है। ये देखने को मिला 14 तारीख को, 14 तारीख को आदरणीय प्रधानमंत्री जी हमें आशीर्वाद देने के लिए आ रहे हैं। उनके नेतृत्व में हरियाणा और फले फूले, ऐसा आशीर्वाद